पुलिस स्मृति दिन मौके पर पालक मंत्री के हाथों हुतात्मा स्मारक को पुष्प चक्र अर्पण कर अभिवादन किया गया। पुलिस स्मृति दिन मौके पर पुलिस मुख्यालय मैदान पर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों हुतात्मा स्मारक को पुष्प चक्र अर्पण कर अभिवादन किया गया। इसमें जिलाधिकारी विनय गौड़ा, जीसी पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, पुलिस उप अधीक्षक राधिका फड़के, शेखर देशमुख, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आयुष नोपानी, सुधीर नंदनवार नाइक, इनके साथ पुलिस दल के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में भारतीय सीमा पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों के एक दल पर अचानक कड़ाके की ठंड में हमला कर दिया गया। 10 पुलिस कर्मियों ने अपर्याप्त जनशक्ति और अपर्याप्त हथियारों के बावजूद सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मातृभूमि की रक्षा के लिए इन बहादुरों ने बड़ी संख्या में दुश्मन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 24 दिन बाद यानी 13 नवंबर 1956 को जब चीन ने इन बहादुर पुलिस कर्मियों के शव भारत को सौंपे तो पूरा देश हैरान रह गया। पूरे भारत में पुलिस ने इन नायकों के लिए हॉट स्प्रिंग में एक स्मारक बनाया है जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस वर्ष पूरे भारत के करीब 264 पुलिस अधिकारी और कर्मियों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और शहीद वीरों के नाम पढ़े गए।